नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं 1 दिसंबर को एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। पूरा जो टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 30 दिसंबर और नवंबर और 1 दिसंबर दोनों डेट को, ओवरऑल एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये इस बारे में हम प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बताऊं कि इस प्रेजेंटेशन में क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो 1 दिसंबर का जो स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है, क्या स्टूडेंट ने बोला, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट फीडबैक, पिनेकल व्यू पॉइंट, स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड कंसर्न, एनालिसिस एंड कट ऑफ प्रोजेक्शन और व्हाट इज योर चांसेस। अब कुछ स्टूडेंट के ईमेल आए हमारे पास, पिनेकल के पास, और उन स्टूडेंट्स ने क्या बोला। इसमें से कुछ स्टूडेंट वो भी हैं जिन्हों के हमारे स्टूडेंट हैं, और उनकी क्या, उनको पेपर कैसा लगा वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है कुछ, ये आईडी है उसकी कुछ वर्ड्स। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई गोट योर ईमेल फॉर टायर 2 एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट विशेज रिगार्डिंग एग्जाम। As asked in the email, my tier 2 exam are as follows. For paper 1, mathematics के बारे में वो क्या बोल रहे हैं जो 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड। उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 83, लगभग उनका बोलना है कि 90% के आसपास एक्यूरेसी होगी। एक्सपेक्टेड स्कोर वो उनको लगता है कि लगभग 155 के आसपास हो सकता है उनका। क्वेश्चन पेपर 11 उनको जो लगा वो लेंथी और कैलकुलेटिव लगा। चेंज इन पैटर्न, नो चेंज इन पैटर्न। लेंथी क्वेश्चन की संख्या थी वो लगभग 25-30 क्वेश्चन है, वो उनको लगा कि थोड़े लंबे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। एडवांस मैथ का शेयर था वो उनको लगा, उनका ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, लगभग 55% के आसपास एडवांस मैथ उनको लगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड पेपर एनालिसिस फ्रॉम पिनेकल। थैंक यू पिनेकल। अब उनका इंग्लिश में क्या बोलना है ये भी हम देख लेते हैं। पेपर 2 के बारे में, क्वेश्चन अटेम्प्टेड 189, एक्सपेक्टेड स्कोर 165-170, काफ़ी अच्छा स्कोर लग रहा है ये। क्वेश्चन पेपर लेवल इजी, चेंज इन पैटर्न नो चेंज। नोट, 1 क्लोज टेस्ट वाज टफ, 2 कॉम्प्रिहेंसिव वर ट्रिकी, 1 वर्ड्स एंड इडियम वर इजी, पिनेकल स्टडी मटेरियल सफिशियंट, स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वर वेरी इजी। थैंक यू नीरू मैम। नरेशन एंड एक्टिव पैसिव वर वेरी इजी। थैंक यू नीरू मैम। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो ये कि क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा बहुत मुश्किल आए होंगे, या कॉम्प्रिहेंसिव है वो थोड़ा ट्रिकी थे, बाकी ओवरऑल पेपर है वो काफ़ी, आप बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल, इजी, उन्होंने इजी बताया है, क्योंकि हर स्टूडेंट है या अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव होगा। टोटल लगभग 12-13 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट है वो अगले टायर 3 में जाएगा, तो इसका मतलब कम से कम 4-5 स्टूडेंट को ये पेपर जरूर मुश्किल लगेगा, कुछ को मॉडरेट लगेगा, कुछ को इजी भी लग सकता है जिनका बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उनको। हर स्टूडेंट का एक नज़रिया अलग होगा, लेकिन ओवरऑल क्या एक मैसेज आ रहा है या किस तरह का लेवल है वो हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ के मुताबिक मैथ और इंग्लिश दोनों इजी टू मॉडरेट, या मैथ आप बोल सकते हैं थोड़ा उनको लेंथी लगा, ये रुझान उनका था। हम दूसरा कैंडिडेट देखते हैं, कोई दूसरी ईमेल। उन्होंने जो फीडबैक भेजा है उनका नाम है सफ्तागिरी मिरियाला। टेकन टेस्ट टुडे, क्वांट क्वेश्चन वर मॉडरेट, एसएससी पिनेकल टेस्ट इज एनफ फॉर प्रिपरेशन, ओनली थिंग इज वन नीड टू डू कैलकुलेशन फास्टर एंड लर्न कैन मैनेज द टाइम वेल। जिनकी टाइमिंग बहुत अच्छी होगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, उनका ये बोलना है कि वो अच्छा कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी एज एग्जैक्टली एट द सेम लेवल बट विद लेंथी डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश क्वेश्चन अगर बात करें तो ग्रामर पार्ट वाज सेम टू सेम एज पिनेकल एसएससी पिनेकल टेस्ट सीरीज लेवल। इन इफेक्ट गोट कपल ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर, कपल ऑफ आरसी पेजेस एंड फ्यू नरेशन क्वेश्चन विच वर वेरी डिफिकल्ट। इनका बोलना है कि ये थोड़ा उनको मुश्किल लगा।
अब उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्ट, तो उनका आंसर है कि 78 क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट किया उन्होंने और इंग्लिश में 200, ये 100 लिखा हुआ है लेकिन अब उन्होंने करेक्शन किया ईमेल में अपनी, तो ये 200 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन है उन्होंने अटेम्प्ट किया। हो सकता है उनकी इंग्लिश अच्छी हो। उनका एक्सपेक्टेड स्कोर मैथमेटिक्स में 140 उनको लग रहा है और इंग्लिश में लग रहा है 160, लगभग 300 के आसपास थोड़ा उनका स्कोर उनको लग रहा है। एनी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन और चेंज इन एग्जाम पैटर्न, नो, सेम जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है जो आमतौर पर हमारी टेस्ट सीरीज होती है SSC CGL पिनेकल से रिलेटेड और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं के लेवल पे ये टेस्ट था इस बार भी। क्वेश्चन पेपर वाज डुएबल बट टाइम कंज्यूमिंग, क्वांट पेपर की बात कर रहा है, सो कुड नॉट अटेम्प्ट मेनी बट मोस्टली डुएबल। उनका बोलना है कि क्वेश्चन उनको आते थे लेकिन उनको लेंथी होने की वजह से पूरा अटेम्प्ट होने में दिक्कत आई, लगभग 20-25% क्वेश्चन उनको ऐसा लगा। उनका आगे ईमेल है कि उन्होंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन थे वो ज्यादातर आए, या उन्होंने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन थे, ऑन टाइम टेकन इज 10 मिनट, वेन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, इन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री। सिलेंडर फिल्ड विद आइसक्रीम, हाउ मेनी कॉन फिल्ड विद आइसक्रीम इन फुल एंड टॉप ऑन हेमिस्फेरिकल शेप आर रिक्वायर्ड, कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सर्कम सेंटर कॉन्सेप्ट, साइड्स आर गिवन आस्क्ड टू मेजर सर्कम रेडियस, SI CI एंड अलजेब्रा क्वेश्चन वर इजी, रेशियो ऑफ ए मैन एंड बॉय गिवन, टोटल वेज गिवन, हाउ मच टाइम बॉय विल अलोन टेक टू काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज गिवन, व्हाट इज लिस्ट नंबर, एवरेज 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर गिवन, इफ सम ऑफ फर्स्ट 2 इज इक्वल टू थर्ड 1, व्हाट आर द नंबर्स, एवरेज ऑन ऑफिसर्स एंड वर्कर्स, बिट ट्रिकी बट डूएबल। वेन डायग्राम दिया हुआ था, शायद वो डाटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे होंगे, जो डिग्री में था परसेंटेज में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन ऑन एवरेज इजी, 1 क्वेश्चन रॉन्गली गिवन, दिस ऑल आई कैन रिमेंबर नाउ, बिट टायर्ड अदरवाइज कुड हैव गिवन मोर, होप दिस हेल्प्स। तो उनका ये बोलना है कुल मिलाकर स्टूडेंट जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक पेपर है वो मॉडरेट लेवल का लग रहा है उनको, थोड़ा लेंथी है मैथ का इसलिए 140 के आसपास उनकी रेंज जारी होगी, 140-150 के आसपास। और कुछ क्वेश्चन है वो उन्होंने जो बताए हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो आसान क्वेश्चन उनको अभी याद है, हो सकता है लेंथी, और जिनकी आमतौर पे अगर हम देखें तो जो नॉर्मल पेपर होता है वो 11 से 12 पेजेस का होता है, अगर जिसने पिनेकल की टेस्ट सीरीज अटेंड की होगी तो जो PDF फाइल है उन्होंने आपको 11-12 पेज की कुछ नजर आई होंगी, और अगर आपने जो टेस्ट सीरीज पिनेकल की है वो 731 के बाद अटेंड की है तो आपको 15 पेजेस की भी वो आपको PDF नजर आए हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज है 32 से लेकर 40 है हमारी, वो उसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन डाले गए, उसका लेवल थोड़ा हाई है। आमतौर पर 701 से लेकर 710 तक पिनेकल की टेस्ट सीरीज है, 708 तक वो इजी क्वेश्चन, 709 से लेकर 25 तक है वो मॉडरेट, या अब वो मॉडरेट हल्का सा, और फिर उसके बाद 25 से लेकर 31 वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और 31 के बाद में टेस्ट सीरीज में होंगे वो थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन। इस तरह से पैटर्न पिनेकल ने बनाया था, तो कुछ क्वेश्चन उनको लगे हैं कि वो लेंथी होंगे। मुझे लगता है कि अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, तो वो आसानी से कर देने चाहिए उनको। हम और देखते हैं कि स्टूडेंट का क्या फीडबैक है। मैथमेटिक्स पेपर विनोद गुनावत है ये, पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ओवरऑल 15 to 20 आर डिफिकल्ट, उन्होंने लगा कि 20 क्वेश्चन के आसपास 15-20 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट थे, 25-30 क्वेश्चन थे इजी और 40-50 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे, सो ओवरऑल वी कैन से दैट द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। इंग्लिश का पेपर जो उनको लगा एरर, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आया और उसमें क्या की संभावना उनको लग रही है। हर स्टूडेंट का अपना अपना नजरिया हो सकता है इस पे, अपना अपना नजरिया इस आधार पे भी हो सकता है कि उसकी प्रिपरेशन की तैयारी कितनी है, या वो ओवरऑल वो एनालाइज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनालाइज कैसे कर रहे हैं ये ज्यादा बताने की कोशिश हो रही है स्टूडेंट द्वारा। इजी टू मॉडरेट उन्होंने बोला कॉमन एरर को, लगभग 20 में से 12-16 क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर किए जा सकते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट उन्होंने बताया कि 22 क्वेश्चन आए
उसमें 18 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, एंड्रॉइड सिनेमस 10 में से 7, और जो मीनिंग करेक्शन या इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 4 में से 2 क्वेश्चन, PQRS वाले स्टेटमेंट 20 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन अटेनेबल, idiom phrases और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से 22 में 15 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन से 47 क्वेश्चन आए और 45 किए जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे वो 6 से 8, जिसमें से 5 किए जा सकते हैं। क्लोज टेस्ट जिसमें 25 में से उनको लगता है क्लोज टेस्ट मुश्किल लगे, 2 क्लोज टेस्ट आर सो डिफिकल्ट, उनको क्लोज टेस्ट काफी मुश्किल लगे। पैसेज आउट ऑफ 30, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं, 30 क्वेश्चन उनका बोलना है, 30 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन पैसेज में किए जा सकते हैं, और 2 पैसेज है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है इसने। उनका यह बोलना है और ज्यादातर स्टूडेंट का यह बोलना है कि क्लोज टेस्ट, और क्योंकि हमारे पास काफी ईमेल आए हैं और हम ओवरऑल मैंने सिर्फ दो कुछ एक लिए हैं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लगभग यही ट्रेंड बन रहा है कि जो RC है इंग्लिश में और क्लोज टेस्ट है वो कंपेरेटिवली थोड़े कन्फ्यूजिंग डिफिकल्ट लेवल का ज्यादा है, बाकी पेपर इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आमतौर पर आप बोल सकते हैं मॉडरेट या हल्का सा डिफिकल्टी लेवल की तरफ ये पेपर गया है। ये थे स्टूडेंट के कुछ फीडबैक जिन्होंने कि सीधा आपके सामने बताने की कोशिश की ये ऐसा लग रहा है उनको, बहुत सारी ईमेल आई हमारे पास, उनके बाद हमने पूरा ये देखने की कोशिश की है कि किस तरह से क्या हो रहा होगा। तो हमें लगा है कि ये पेपर मॉडरेट था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे उन्हीं के अनुसार पेपर था, फॉलोइंग प्रीवियस ईयर पैटर्न में कोई चेंज नहीं था, जो पिछले एग्जाम थे उन्हीं को बिल्कुल रिपीट किया गया, एडवांस मैथ के क्वेश्चन 45 to 46 क्वेश्चन ये पूछे गए एडवांस मैथमेटिक्स, और उसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में काफी क्वेश्चन थे, आमतौर पर 25 होते हैं, स्टूडेंट को ऐसा लगता ज्यादा है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की ज्यादा है, लेकिन है वो 25, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में टाइम लगता है, तो ज्यादातर टाइम उन्हीं में लगता है, स्टूडेंट को कई बार लगने लग जाता है ये क्वेश्चन ज्यादा थे, ऐसा है नहीं। फ्यू क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन थे वो उनमें कैलकुलेशन, आमतौर पे आप बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो 12 to 13 पेजेस वाले क्वेश्चन पेपर के बराबर होगा, अगर आप पिनेकल के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो जो पिनेकल के 20 to 13 पेजेस वाले PDF होंगे आप उसी तरह के क्वेश्चन पेपर को इसको मिलेगा आपको, क्योंकि स्टेटमेंट लंबी होती है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट को ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, और जब सेंटेंस ज्यादा होते हैं तो उनको बार बार में पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए उसको ज्यादा लेंथी भी लगता है। नंबर 1, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, जैसे 5-7 क्वेश्चन कैलकुलेशन ज्यादा, 5-7 क्वेश्चन में स्टेटमेंट लंबी, तो वो कुल मिलाकर उनको लेंथी लगता है। फिर तो जो रिक्वायर्ड इसमें अगर हम देखें 180 के आसपास इसने अच्छा स्कोर किया, 180-185, हालांकि आगे जो हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, कितना स्कोर करें तो बेटर होता, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, फिर आउट ऑफ 12 to 15 जो स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन होना है, जो ऊपर वाले 3-4 हैं वो जरूर इस रेंज में हो रहे होंगे। अब आए टॉपिक वाइज मैथ की बात करें, हालांकि स्टूडेंट्स ने आम तो बता दिया है कि किससे कितने आए हैं, एक इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन फिर भी DI 5 क्वेश्चन, ज्योमेट्री मैन्युशन 25 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक 10 क्वेश्चन के आसपास, अल्जेब्रा के 10 क्वेश्चन, रेशियो मिक्सर एलिगेशन 7 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 9-10 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 7-8 क्वेश्चन, टाइम वर्क 5-6 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस 5-6 क्वेश्चन, एवरेज 5-6, इंटरेस्ट SI CI 3-4 क्वेश्चन, परसेंटेज 4-5 क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन अदरवाइज अदर सर्च इंडेक्सेस वगैरह टोटल 1-2 क्वेश्चन उनसे आए हैं। तो कुल मिलाकर जो 30 नवंबर का एग्जाम और 1 दिसंबर का एग्जाम लगभग बिल्कुल सेम आप बोल सकते हैं कि टॉपिक वाइज सेम क्वेश्चन, ज्यादा फर्क नहीं, और डिफिकल्टी लेवल भी लगभग सेम। इंग्लिश की भी बात करें तो जैसे स्टूडेंट ने बताया पूरा डिटेल में स्टूडेंट ने काफी बता चुके हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कई स्टूडेंट को बहुत आसान लगा, कई स्टूडेंट को ज्यादा आसान लगा, शायद उन्होंने इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी की होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट 170 के आसपास स्कोर कर रहा होगा इंग्लिश में, 180 स्कोर कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी तैयारी का लेवल काफी ज्यादा अच्छा होगा, 150-160 है वो, 150-160 है वो एक हायर रेंज में, मतलब कि जो स्टूडेंट अगर 12-13 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होता है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट अपियर होंगे इसमें, और उसमें से लगभग अल्टीमेटली 5-6 हजार स्टूडेंट है वो लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली रेशियो है वो काफी 12-13 में से या 10 से ऊपर में से एक होगा, तो 10 स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन होना है
या 12 स्टूडेंट में या 15 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होना है, क्योंकि टायर 3 भी आ गए, तो उस हिसाब से देखे जाए तो जो टॉप स्टूडेंट होगा इसमें 12-13 में, वो इतना स्कोर करने की संभावना होगी उसकी। अब हम देखते हैं कि यह था एनालिसिस और किस पोर्शन से कितना आया। तो हमने स्टूडेंट का देखा कि कितने कॉम्प्रिहेंशन, लगभग 25-30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड, बाकी 27 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव नरेशन, जो पैटर्न आमतौर पे होता है, जो हमने पिछला एनालिसिस किया था 30 नवंबर का, उसमें एक एक बताया था कितने क्वेश्चन आया किससे, वही पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट आप डिफरेंस नहीं बोल सकते। अब हम चलते हैं कि ये जो पेपर हो रहे थे उस दौरान किस तरह की डिफिकल्टी स्टूडेंट को आई, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है कि एग्जाम कुल मिलाकर कैसे कंडक्ट किया गया। अगर हम पिछले 4-5 साल का जो ऑफलाइन होता था ओमआर बेस्ड एग्जाम उसके साथ कंपेयर करें, तो ऑफलाइन में जो गड़बड़ी की संभावना थी, पूरे पूरे सेंटर को कई बार जो बोलते हैं सेटिंग हो गई थी, इस तरह की संभावना काफी ज्यादा होती थी और उसके बाद भी संभावना होती थी, क्योंकि आप इस एग्जाम को किसी बैंकिंग या दूसरे एग्जाम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स बनने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन बैंक क्लर्क बनने के लिए लोग तो इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली एक तो स्टूडेंट के एंड पे चीटिंग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है SSC जैसे एग्जाम में। दूसरा, क्योंकि बैंकिंग ज्यादा कॉमन एग्जाम है, तो सेंटर आमतौर पर बैंकिंग के ज्यादा भी होते हैं, स्टूडेंट भी ज्यादा होते हैं, और अलर्टनेस लेवल वहां पे कंपेरेटिवली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसके एग्जाम कंडक्ट करता है तो इसलिए हाई होता है। यहां पे सेंटर इतने ज्यादा भी नहीं होते, और जो SSC है क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करने का, तो इस लिहाज से अगर हम देखें कंपेरेटिवली उन्होंने अच्छे ढंग से कंडक्ट किया अगर हम बात करें और ओमआर टेस्ट की तुलना में। लेकिन अगर हम बैंकिंग या किसी और एग्जाम की तुलना में करें तो ऑब्वियसली क्या है कि इस एग्जाम को इतने अच्छे ढंग से मैनेज नहीं किया गया, स्पेशली जो सेंटर अलोकेट किए गए थे और वहां का मैनेजमेंट था वो ऐसा लगता था कि SSC के साथ उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, और उनको इतना पता नहीं था कि ये जो एग्जाम है वो IAS के बाद इंडिया में दूसरे नंबर का एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम IAS के बाद में, इतनी बड़ी जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो उनका बिहेवियर ऐसा होता था, ऐसा था इस दौरान में, ऐसा स्टूडेंट का फीडबैक था कि जैसे कि वो कॉलेज या किसी स्कूल का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, और जो एग्जाम लेने वाले हैं वो हाईली अनट्रेंड या बिना कोऑर्डिनेशन के थे, और इससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा दिक्कत आई, और कुछ मामलों में जो सर्वर या इस तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हुई। और ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में हुआ है, साउथ इंडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो एक मैसेज तो यही है कि बहुत सारे जो ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अभी नॉर्थ इंडिया में जो खुल रहे हैं और जिनकी बंद होने की संभावना है, वो आखिरी अपनी ट्राई कर रहे हैं कि उनका रेवेन्यू ऑनलाइन एग्जाम्स की वजह से कुछ बढ़ रहा था, लेकिन अगर वो इस तरह से कंडक्ट करेंगे तो वो भी जाता रहेगा और बंद होना उस सेंटर का अनिवार्य होगा। हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट ने हमारे पास कुछ ईमेल भेजे, एक दो ईमेल मैं लेता हूं उनसे, कि उनको किस तरह की दिक्कत आई, और बाकी स्टूडेंट को ऐसी कभी आए नहीं, उनकी क्या इसमें वो कर सकते थे या करने चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो 2017 में एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, या जिनके साथ अभी कुछ हुआ है वो क्या कर सकते हैं। उसी परस्पेक्टिव से मैं एक दो ईमेल लेने की कोशिश करता हूं, और पहला ईमेल लेता हूं एक लड़की है दिशा गिलोत्रा। इसने एक ईमेल लिखी और बहुत ही दुखदायी ईमेल है इसकी, और मेरे पास लगभग इसी तरह की ईमेल है, वो कम से कम 3 या 4 ईमेल आई है, और अभी मैं जब ये प्रेजेंटेशन बनाने लगा था उससे पहले भी एक आई लड़की की ईमेल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो 4-5 ईमेल है इस पे वो सभी लड़कियों के, कंप्लेंट भी फीमेल स्टाफ के खिलाफ है। एक अभी जो मैं थोड़ी देर इस प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले एक देख रहा था कि एक लड़की जो कि ऑलरेडी लगी हुई है एक्साइज इंस्पेक्टर, वो भी एग्जाम दे रही थी और उसका भी एग्जाम इसी तरह से हो गया जैसा कि अभी इस ईमेल में बताया गया है। हेलो सर, आई केम अक्रॉस दीज प्रॉब्लम एट एग्जामिनेशन सेंटर। हालांकि ईमेल थोड़ी लंबी है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा स्टूडेंट को, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं इसको समझने में और करने में, और कुछ मैं क्या समझता हूँ और क्या राय
हमने जो दी थी आप उसको फॉलो करते थे, शायद आप कुछ हद तक बच सकते थे। प्लीज गाइड मी, शुड आई सेंड दिस टू एसएससी? सब्जेक्ट क्या उनका? प्रॉब्लम फेसिंग ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम। इनका नाम दिशा और दिशा गिलोत्रा और इनका रोल नंबर भी उन्होंने बताया है। एग्जाम सेंटर उनका था रिमी यूनिवर्सिटी, अपोजिट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मंडी गोविंदगढ़, मुझे लगता है पंजाब से। एग्जाम प्लेस आईआईटी ब्लॉक ए, फर्स्ट कलर लेफ्ट 7। ड्यूरिंग माई एग्जाम आई फेस्ड फॉलोइंग प्रॉब्लम एट एग्जाम सेंटर। और ऐसी जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है 5-7 स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट ने जरूर फेस की होगी। 10% भी एक अच्छा सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन जब ऑफ ओमर एग्जाम होता था तो ये संख्या वहां पे भी थी, लेकिन वहां पे चीटिंग का रोल बहुत ज्यादा हो जाता था। तो ड्यूरिंग माई एग्जाम आई फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम एट एग्जाम सेंटर। 1, वी वर अलाउड टू इंटर कॉलेज आफ्टर 8:30 विदाउट चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ। When we reached IET block, nobody was there till 8:45. After then, the staff arrived. After entering the lab, I found that teacher was untrained in taking biometrics. Attendance का उनको कोई पता ही नहीं था कैसे लेनी होती है। It was after 9:30 things got settled, but not completely. During exam, one after other person came to lab for different purposes. Some were relevant and other completely irrelevant, like somebody came to ask female invigilator what you will have in your lunch etc. मतलब उनके अभी informal conversation start हो रही है। और आमतौर पे यहाँ पे जो staff ऐसा लग रहा है जैसे उसको पता ही नहीं है कि कितना बड़ा exam हो रहा है। During exam, invigilator and person from outside called on phone many times. Lot of disturbance was there in corridor as well. Somebody talking over phone, some shouting there. The height when invigilator of my class, Miss Kirti, started talking with her male counterpart. After minutes of listening all this, I told them to stop talking. After listening to this, she got irritated, and when I asked for seat, she refused to give me. But thank God, I already managed to have seat from the other invigilator. It happened in second shift as well, but comparatively less. At the start of the second shift, someone from college authority came to take the phones of both. Male teacher gave it, but female did not. She talked even on phone during exam. Apart from this, both of them keep on talking. I was the most bothered as I was on the front seat. Well, I somehow managed to explain what the situation was. Aage bhi hai iski mail. Settled down but not completely. During exam, one after the other person came for two layers for different purposes. Just a minute. Yahan se dobara hai. Reason following are the reason why this disturbance was happening. Most of invigilators were unaware of SSC exam. They treated it like normal college exam. They did not know how important each and every second of student during exam. How important this exam is for their life, especially for those who are preparing hard day and night from an year. I am preparing for SSC CGL very sincerely, but these things break down my confidence. It affected my at least 20 to 30 marks. Remedy kya honi chahiye? I would like to suggest that SSC should train all the invigilator how to treat such type of exam. They should be trained not to consider SSC exam as normal college exam. At the end, I want to say that I do not know whether my application will reach higher authority or not. But if it reaches, I would request to you look into this matter as it deeply hurt me as a student who was preparing for this exam enthusiastically from so long. Hope you will take disciplinary action as soon as possible. यहाँ इस तरह के ईमेल मेरे पास काफ़ी आए हैं जहाँ पे कि फीमेल कैंडिडेट है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और जिन्होंने डिस्टर्ब किया वो भी फीमेल कैंडिडेट है। तो एक लर्निंग जो 2017 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो स्पेशली फीमेल है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि एग्जाम सेंटर पे आप अपने आप को कंपोज करेंगे, कूल करेंगे। हालांकि इस लड़की ने बहुत सेंसिबली हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन जब डिस्टर्बेंस का इतना लेवल ज़्यादा था तो शायद इसके पास बहुत ही कम संभावना बच गई थी अपने आप को बचाने के लिए।
क्योंकि जब कोई गर्ल्स होती है तो शायद वो डर नहीं होता, अगर लड़का होता तो वो शायद उस, मुझे लगता नहीं है कि उस फीमेल स्टाफ की इतनी हिम्मत होती कि वो एक लड़के ने बोला और फिर उसके बाद वो उस फोन पे बात करती होती। अगर फिर भी वो करती होती तो वो बहुत ही महाबदतमीज लेडी होगी। और ऐसा एक लड़की का और ईमेल आया, बहुत ही डेंजरस, हालांकि ऑलरेडी जॉब पे है एक्साइज इंस्पेक्टर, लेकिन वो तो बेचारी बहुत ही बुरी हालत में हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा सॉफ्ट, आप बोल सकते हैं सॉफ्ट टारगेट होता है, और वो भी सामने अगर टीचर फीमेल हो तो दोनों की संभावना कम हो जाती, दिक्कत होती है इसमें। तो मेरा ये सजेशन कि एग्जाम में आपको कूल रहना है, लड़ने की हैबिट नहीं डेवलप, इस लड़की ने कोई लड़ने की हैबिट डेवलप नहीं किया है, लेकिन मैक्सिमम क्या कर सकती थी सिचुएशन पे, अपने आप को बचा सकती थी। और मैंने एक वीडियो में बोला कि अगर एग्जाम में आपको कोई भी थप्पड़ भी मारे तो आपको सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, उसके थप्पड़ पे आप एग्जाम खत्म करने के बाद उसका सिर फोड़ देना, लेकिन उस दौरान आपको विचलित नहीं होना है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज। और इस लड़की के लिए मेरा मैसेज ये कि ये SSC के चेयरमैन और रीजनल ऑफिस दोनों से मिले और वहां पे रिटर्न में कंप्लेंट करें, और अपने एग्जाम को अगर उनको लगता है कि इनके एग्जाम काफी खराब हुआ है, जो उनका ये बोलना है कि 23-30 मार्क्स खराब हुआ है, तो वो कैंसिल करवाने की कोशिश करें। अगर जरूरत पड़े तो वो कोर्ट में भी जाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि एक मेरे पास ईमेल आया था, उस लड़के ने बताया मुझे जब ये टायर वन का एग्जाम चल रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसके एग्जाम को कोर्ट ने दोबारा कराने के लिए SSC को बोला था, और अनफॉर्चुनेटली जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो जब उसका एग्जाम होना था उससे उस दिन उसको एक दिन पहले चला पता कि ये मेरा एग्जाम होना है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी मेहनत की एक साल तक, और ये जिंदगी 60 साल की जिंदगी आपकी किसी एक कीर्ति नामक टीचर ने खराब करने की कोशिश की, मिस कीर्ति ने, बहुत ही दुख की बात होगी। लेकिन अभी जो किया जा सकता है मैक्सिमम वो ये कि SSC को, अथॉरिटी को अप्रोच किया जा सकता है। अगर कोई SSC का अधिकारी या मिस कीर्ति सुने तो कृपया सेंसिटाइज हो अपने आप को, और वो रेमेडियल एक्शन पे जरूर आए, जिससे एक स्टूडेंट है इस तरह के जो कि एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं वो टूट ना जाए। तो और ये दिशा से भी मेरी ये उम्मीद है और मैं ये सजेशन है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और इसको इस दुविधा से निकलने की कोशिश करे, और ये माने कि जिंदगी में कई घटनाएं होती है। एक मेरा वीडियो भी आ रहा है इसको कि ब्लास्टिंग ऑफ फेलियर, आप इसको जिंदगी में फेल नहीं मान सकते, आप इसको एक चैलेंज के रूप में मानने की कोशिश करें कि ये चैलेंज था जिसमें कि कुछ दिक्कत आ गई। एक और ईमेल लेता हूं मैं, शशांक का है, सर माई मैथ एग्जाम कैंसल्ड, माई सेंटर वाज एट एशिया पैसिफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये 30th जो नवंबर को एग्जाम हुआ उसकी बात कर रहे हैं, दे कुड नॉट इवन मैनेज टू रजिस्टर ऑन देयर सिस्टम टिल 11:30। अब एग्जाम 10 बजे स्टार्ट हो और 11:30 तक कुछ हुआ ही नहीं हो, तो एक किस्म से SSC के ऊपर डाउट है, लेकिन मेन तो स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। एंड सम स्टूडेंट स्टार्ट देयर पेपर, देयर वाज टोटल चॉइस ओवर देयर, वी कॉल्ड अप SSC ऑफिशियल, देन आवर मैथ पेपर गॉट कैंसल्ड, वी रिक्वेस्टेड देम टू कैंसल बोथ आवर पेपर बिकॉज वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड टिल देन, बट दे डू नॉट एग्री एंड वी हैव टू टेक द एग्जाम, फुटेज ऑफ माई सेंटर इज ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो उनका बोलना है कि हमने यूट्यूब पे डाला, ये शायद वही स्टूडेंट होगा जहाँ पे एशिया पैसिफिक मैनेजमेंट का वीडियो आज के टाइम में वायरल चल रहा है फेसबुक वगैरह पे, और कुछ एक वेबसाइट है वो अपना बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी से, और यूट्यूब के चैनल भी, ताकि उनके ट्रैफिक वगैरह बढ़े, उनको फायदा हो। लेकिन अल्टीमेटली मुद्दा यहाँ पे ये है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ सेंटर, SSC ने अपनी तरफ से कोशिश की कि उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन शायद ये पहले अगर होता अलर्टनेस की एग्जाम का लेवल इतना हाई है और आप गंभीर हो तो शायद ये कम संभावना होती, लेकिन स्टूडेंट को ये उम्मीद रखनी चाहिए, और ऐसा है भी कि SSC इन सभी के दोबारा री एग्जाम लेगा, और री एग्जाम में
अच्छी परफॉर्मेंस दे, ये उम्मीद उनसे उम्मीद की जा सकती है। जो मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं उनको कैरी फॉरवर्ड न होने दें ज्यादा, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो री एग्जाम होगा मुझे लगता है 20-25 दिन में हो जाना चाहिए ये, ताकि रिजल्ट है वो जो 15 जन को टायर 3 का एग्जाम होना है उससे लगभग 10-15 दिन पहले आए, तो स्टूडेंट ज्यादा मेंटली प्रिपेयर हो सके उनके लिए भी। और जो री एग्जाम दे रहे हैं और पिनेकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि उनके लिए जो टेस्ट सीरीज है और वीडियो है सभी अभी खुले हुए हैं, और जब तक कि उनका एग्जाम नहीं होगा वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, जो भी उनको फैसिलिटी है वो एक्सटेंडेड है। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट इस दौरान वो करें, ये मैं उम्मीद करता हूं, और ये उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ज्यादा टेस्ट होनी चाहिए उनके ऑनलाइन। तो ये थी कि स्टूडेंट को क्या दिक्कतें आई। अब हम चलते हैं उस पोर्शन की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे होंगे कि ये कट ऑफ कितनी जा सकती है। टायर 2 में अगर मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो ये मानू कि टायर 3 होना चाहिए, और जो 2017 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्या फीडबैक हो कि टायर 1 में उनका कितना स्कोर हो 2017 में, जिससे कि वो अपने आप को कंफर्ट माने। आप एक बार तो ये स्लाइड देखिए, ये पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है टायर 2 का कट ऑफ गया था, जब रिजल्ट आया टायर 2 का तो ये नजर आया, और इसमें ये इंट्री पोस्ट के लिए है, इंट्री पोस्ट के लिए, पहले इंट्री पोस्ट नॉन इंट्री पोस्ट होती थी, और मैंने उसी भाषा में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इस ढंग से ले सकते हो कि जो हायर लेवल की पोस्ट इंट्री पोस्ट और लोअर लेवल की पोस्ट होगी वो नॉन इंट्री पोस्ट, क्योंकि इस बार 2016 में या आगे 2017 में कोई इंट्री नहीं होगा, तो उसको इसकी जगह पे टायर 3 होगा, आप उसकी नजरिए से उसको देख सकते हैं। इसमें जो जनरल की कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी की वो 430 या 431 इस रेंज में थी, ओबीसी की 411, एससी की 373 और एसटी की 359 और एक्स सर्विसमैन की 358, ये सिग्निफिकेंट मैंने आपको बता दिया। और नॉन इंट्री पोस्ट की थी वो देख लेते हैं, 410, ओबीसी कैटेगरी 387, एक्स सर्विसमैन 255, 345, 327। और जो टायर 1 की कट ऑफ थी, जिन्होंने टायर 2 का एग्जाम दिया था पिछले साल, उनकी ये कट ऑफ थी 102, 80, 74, 89, एक्स सर्विसमैन 67, और ऐसे ही इस बार जो कट ऑफ है वो ये है 137, 114, 103। ये है डाटा। इस डाटा से कैसे हम इंफॉर्मेशन निकालें और जिसका एनालिसिस में हेल्प हो, हम चलते हैं इसको समझने के लिए। इन डाटा का क्या रोल है, इन डाटा का क्या रोल है, जिससे कि हमें पता चले कि 2016 के लिए, 2016 के लिए और 2017 के लिए क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, उनको मैंने दोबारा एनालिसिस किया है। कट ऑफ है 2015 की 1025 अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, और 2016 का जो कट ऑफ है वह है 137, लगभग 35 मार्क्स का डिफरेंस है। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी में डिफरेंस है। अगर मैं ये देखूं कि किस कैटेगरी में इस साल सबसे ज्यादा जंप लगाए, तो वो पिछले साल की तुलना में तो वो एससी कैटेगरी थी। एससी कैटेगरी की मेरिट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई इस साल, और जो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी की जो मेरिट थी वो सबसे कम इंक्रीज हुई। इसके पीछे ये भी है क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा थी, जब बेस आपका ज्यादा होता है तो वो इंक्रीज होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब 137 से ऊपर लगाना बहुत स्कोर मुश्किल हो जाता है, जबकि 74 से आगे निकलना तो बहुत आसान है। तो इस वजह से ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं उसको, लेकिन मोटे तौर पे ऑन एन एवरेज 40% इस बार 2016 में कट ऑफ है वो ज्यादा गई 2015 की तुलना में। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अब वो किस वजह से गई। एक सबसे बड़ा रीजन, इजी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम, लेवल ऑफ कंपटीशन ऑलरेडी हाई, तो ऑब्वियसली कई फैक्टर मिले, 3-4 फैक्टर तो ये मैंने बताया। सबसे जो इसमें इजी लेवल जो है वो मेन रोल अदा कर रहा है, वो टाइमिंग ज्यादा थी इस बार, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था टायर 1 का, टायर 2 का नहीं हुआ चेंज। इस ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि टायर 2 का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, टायर 1 का पैटर्न चेंज हुआ कि 75 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, पहले 120 में
200 क्वेश्चन करने थे, तो इसलिए स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम था इस बार, तो ज्यादा मेरिट जाना स्वाभाविक था। और एक जो ज्यादा मेरिट में एक उसका भी रोल अदा आया कि आईसीएसई ने जो टायर थ्री हुआ है उससे रिलेटेड कोई ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें लेने की कोई इच्छा ऐसा लग रहा है उसने जताई नहीं है, जिसकी वजह से कि तीन टायर होने के बावजूद भी कट ऑफ को ऊपर जाने में मदद मिली। अब आता है कि नॉन इंटू के पिछले साल क्या स्कोर था टायर टू कट ऑफ, टायर टू से इंटरव्यू में पहुंचने के लिए, न कि जॉब लेने के लिए, क्योंकि जॉब लेने के लिए थोड़ा और हाई चाहिए, लेकिन टायर टू से क्वालिफाई होना और टायर थ्री में जाना या इंटरव्यू पोस्ट के लिए, इंटरव्यू नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए आगे राउंड में जाना, उसकी बात हो रही है, जॉब लगने की बात नहीं हो रही है, अगले राउंड में जाने की बात हो रही है। तो अगर मैं इसके साथ इसको डिफरेंस करूं, किसका कट ऑफ, जो टायर वन का पिछले साल का एग्जाम था, टायर वन का एग्जाम और टायर टू का एग्जाम, इन दोनों में और नॉन इंटरव्यू पोस्ट में डिफरेंस क्या था 308 ओपन कैटेगरी में, मतलब कि अगर वो जनरल कैटेगरी में है 2015 में उसने 308 स्कोर किया है टायर टू में, और वो उसने सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई किया है टायर वन में 2015 में, तो वो उसका नाम लिस्ट में था कि उसने ये टू राउंड या टायर टू क्वालिफाई कर लिया है, जॉब लगने की उसकी संभावना हो गई, मतलब 308। ऐसे ओबीसी, इसका मतलब जिस स्टूडेंट के 130 थे पिछले साल और ओपन कैटेगरी में था, तो उसने अगर 130 अगर माइनस करें इसमें से, तो 132 स्कोर मान लो फॉर एग्जांपल था उसका टायर वन में, और यहां पे 30 माइनस कर सकते हैं सीधा हम लोग, 278 भी अगर उसने स्कोर किया है टायर टू में, तो वो नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए टायर टू में क्वालिफाई था, ये इसका मतलब है। तो आप बोल सकते हैं कि जो कट ऑफ टायर टू और टायर वन का गैप था वो 308, अगर किसी ने ज्यादा स्कोर किया टायर वन में तो उसको ये गैप, अगर टायर टू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो अपने आप को बचा लिया उसने। अब है ओबीसी कैटेगरी में 297, ज्यादा फर्क नहीं, 8-10 नंबर का फर्क, लेकिन आमतौर पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डिफरेंस कम होता जाएगा। अब देखिए इसमें कि जिस बच्चे ने अगर मान लो ओबीसी कैटेगरी 120 स्कोर किया था, 120 स्कोर किया था, तो अगर उसने इससे अगर 267 भी स्कोर किया टायर टू में, तो उसका टायर टू क्वालिफाई था। अगर किसी ने 89 किया, सिर्फ मुश्किल से क्वालिफाई हुआ उसका कट ऑफ, तो उसको 267 नंबर लेने थे, तो उसको 297 नंबर लेने थे, 30 नंबर का डिफरेंस यहां पे उस लोअर नंबर की वजह से टायर वन में उसको उठाना पड़ रहा है। एक्स सर्विसमैन के केस में टायर टू में 187.25, एससी के केस में 264.75, एसटी के केस में 253.25। तो इसका मतलब अगर किसी कोई एसटी कैंडिडेट था पिछले साल, उसने अगर 130 किया, अगर उसने 100 स्कोर किया टायर वन में, अज्यूम करते हैं 100 स्कोर किया उसने टायर वन में, तो उसको अगर 125 उसने किया मैथ में, 100 किया इंग्लिश में, तो उसका टायर टू क्वालिफाई था। टोटल आउट ऑफ 400 में से ये स्कोर की बात हो रही है 253, मतलब कि ऑलरेडी वो 25 नंबर ज्यादा ले चुका था टायर वन में। ये एनालिसिस हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि टायर टू में इस बार अगर क्वालिफाई करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। थोड़ा इंटरव्यू पोस्ट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अगर किसी को इंटरव्यू पोस्ट में नौकरी लगनी थी, 2015 में, और हम देखेंगे इस बार तो क्या एक डिफरेंस आ रहा है, जो कट ऑफ थी और जिनको टायर टू क्वालिफाई हुआ था वो था 328.5 नंबर, मतलब लगभग 330 के आसपास स्कोर डिफरेंस है। मतलब कि अगर किसी ने 140 स्कोर कर दिया पिछले साल टायर वन में, 140 स्कोर कर दिया टायर वन में, तो उसको सिर्फ 291 भी आया है तो उसका टायर टू क्वालिफाई था। हालांकि जॉब लगने के लिए जो कट ऑफ होती है आमतौर पे 10-12 ज्यादा जाती है इससे, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, जॉब लगने के लिए ग्राउंड और भी है,
तो उसमें भी छंटनी हो सकती है। तो ऑब्वियसली जिस बच्चे के 430 के बजाय 445 या 50 आए तो उसकी जवाब लगने की संभावना काफी ऑलरेडी हाई हो चुकी होगी। और अगर कोई ओबीसी कैटेगरी था पिछले साल 2015 की बात करें तो 321 का गैप है वो टायर टू के लिए है। मतलब कि अगर उसने स्कोर किया है लेट से 100 स्कोर किया है उसने टायर वन में पिछले साल, तो 311 अगर उसने स्कोर किया है ओबीसी कैटेगरी में तो वो इंटरव्यू पोस्ट के लिए क्वालिफाई था थर्ड राउंड के लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए। ऐसे ही एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की या एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसकी 67 से लेकर उसका जो गैप था 292 एससी कैटेगरी से रिलेटेड और एसटी कैटेगरी से रिलेटेड है 285। तो अगर कोई एसटी कैटेगरी से था और किसने 100 स्कोर कर लिया तो इंट्री पोस्ट के लिए उसको इंट्री पोस्ट के लिए उसको लगभग 260 स्कोर अगर उसका होता, मतलब 130 इंग्लिश 130 मैथ, तो भी वो इंट्री पोस्ट के लिए क्वालिफाई था। अब हम देखने की कोशिश करते हैं, हमें एक आइडिया हो गया कि कितना स्कोर 2015 में चल रहा था और 2017 का रेफरेंस अगर बात करूं तो टायर टू के जो क्वेश्चन पेपर का लेवल वो लगभग सेम है या थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा हो सकता है 2015 की तुलना में, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ रहा है हर साल और नंबर ऑफ पोस्ट इस बार कम है। तो हम मानकर चलें कि जो ये कट ऑफ है लगभग टायर टू में जो स्कोर करना चाहिए वो उतना ही जितना कि टायर पिछले साल करना था, इस बात में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन टायर वन में ज्यादा टाइम होने की वजह से और इजी पेपर होने की वजह से काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम पहले देख चुके हैं, तो जो टोटल गैप होगा उसमें जिन बच्चों ने टायर वन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उनकी संभावना ज्यादा बढ़ गई है। जिन बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया टायर वन में अब उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसके कम नंबर थे वो बाहर हो गया, क्योंकि 400 में भी उसको डिफरेंस क्रिएट करना होगा और एक राउंड और भी है अभी नौकरी लगने के लिए। तो 2016 में जो कट ऑफ गई 137, 2015 में जो मैंने वो लिया है जो कि 2015 में बच्चों के टायर टू में स्कोर आ रहे हैं वो गैप लिया है ये वाला, लगभग इतना इस बार होने की संभावना होगी। और उस केस में अगर 445 बन रहा है किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का जिसने टायर टू अभी दिया है, टायर वन और टायर टू को मिलाकर 445 बना हुआ है दोनों को मिलाकर, तो वो इस रूप में जा रहा है, वो नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लेगा, ऐसी संभावना 99.9% होगी। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी में उसके टोटल 423 बन रहे हैं टायर वन और टायर टू को मिलाकर, तो उसका संभावना होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर लेगा। एक्स सर्विसमैन 279 पे क्वालिफाई करना चाहिए। एससी कैटेगरी में इस बार अगर 378 बन रहे हैं टोटल टायर वन और टायर टू को मिलाकर तो उसको क्वालिफाई कर लेना चाहिए नेक्स्ट राउंड में। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में 356 का अगले राउंड में हो जाना चाहिए नॉन इंट्री पोस्ट, क्योंकि आप इंट्री तो है नहीं तो आप बोल सकते हैं लोअर जो टाइप की पोस्ट है उनके लिए। हायर पोस्ट है उनकी बात करें तो जिस स्टूडेंट के 328 स्कोर हो रहा है, मतलब इक्विवेलेंट टू 2015, कंसीडरिंग हम ये कर रहे हैं कि ये अगर थोड़ा बहुत लेवल डिफिकल्ट भी है अगर इस बार अगर कोई स्टूडेंट का बोलना है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में इतना ज्यादा, तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और कट ऑफ भी थोड़ी कम गई है, ये वैकेंसी भी थोड़ी कम है, तो वो इतना ही जाएगा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन टायर वन की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है तो उसमें 465 अगर पिछले साल मोटे तौर पे 430 कट ऑफ थी पिछले साल, तो इस बार जो आएगी कट ऑफ वो 465 आएगी। ये डाटा एनालिसिस बता रहा है, ये रिसर्च हमारी बता रही है कि 465, 466 आप बोल सकते हैं मोटे तौर पे 460 से लेकर 470 के बीच में आप कट ऑफ देखेंगे इस बार एसएससी टायर टू जिनका क्वालिफाई होगा। तो आप देखिए कि आप किस रेंज में पहुंच रहे हैं अगर इंटर पोस्ट के लिए। अगर ओबीसी कैटेगरी है तो 447 बोल सकते हैं, 440 से लेकर 450 में जो रेंज चल रही है, 382.25, 406 एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी जिन्होंने टोटल स्कोर 388
की रेंज में चल रहा है वो इस रेंज में इंटरव्यू पोस्ट के लिए चला जाना चाहिए। और अगर मैं ये बात करूं, एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं, केस लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडेंट के 137 या एक सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई किए, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 170, 180, 160, 155, 143 इस तरह से भी स्कोर किया होगा टायर वन में। और ऐसा भी नहीं है कि सभी स्कोर है वो 328 करेंगे वही क्वालिफाई होगा टायर टू में, इस बार ऐसा भी नहीं है। मतलब कि जिन्होंने टायर वन में क्वालिफाई कर लिया वो टायर टू में अगर कम नंबर आ जाते हैं, ज्यादा टायर वन में ज्यादा आ गए हैं, टायर टू में कम आ जाते हैं, तो भी उसका हो सकता है अगले राउंड में और होगा। तो उसमें देखते हैं कि अगर किस बच्चे ने, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने यहाँ पे ली है, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी है जिन स्टूडेंट ने 170 स्कोर किया है, और आप हर इंडिविजुअल अपना जजमेंट लगा सकता है कि क्या उसका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, अपनी कट ऑफ वो खुद डिसाइड कर सकता है अपने हिसाब से। कट ऑफ मैंने ओवरऑल तो बता दिया आपको कि ये जाने वाली है और इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो उसने टायर वन में क्या किया, टायर टू में क्या किया, उसके अनुसार वो अपना जजमेंट, अपना डिसीजन उस दिशा में ले सकता है कि टायर टू में क्वालिफाई होने के उसके कितने परसेंटेज चांस होंगे, और उसको टायर थ्री की जल्दी से जल्दी स्टार्ट तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। किस स्टूडेंट को तैयारी शुरू करनी चाहिए, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं कि जिस बच्चे के 450 के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा रिस्क भी ना हो कि आप तैयारी करें ना कि आपकी 465 या 466 नहीं है और तैयारी नहीं की आपने, तो ये ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 5-7% नीचे भी चल रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, तो भी आपको टायर थ्री की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो लगभग अगले साल आएगा, वो भी 5 तारीख के आसपास संभावना होगी जनवरी, क्योंकि पहले री एग्जाम भी होना है, और ये भी 1-2% संभावना हो सकती है, लेकिन कोशिश नहीं करनी चाहिए ज्यादा सोचने की कि ये एग्जाम थोड़ा बहुत टायर थ्री आगे जा सकता है, आमतौर पर ऐसा कम संभावना होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम री एग्जाम कंडक्ट करना है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अगले 15-20 दिन में आप री एग्जाम देख सकते हैं काफी सेंटर्स पे, 20-25 सेंटर पे आप जरूर देखेंगे री एग्जाम। जिन बच्चों का री एग्जाम होना है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और जो नजदीक पहुंच रहे हैं वो टायर थ्री की वो जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो देखिए, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की मैंने बात बताई कि 170 जिसका स्कोर था टायर वन में और जनरल कैटेगरी से था, और नॉन इंटरव्यू तक उसको पहुंचना, अगर उसका पेपर खराब ही हुआ है तो अगर वो 275 भी स्कोर कर दिया उसने, तो भी वो इस रेंज में पहुंच जाएगा जिससे कि वो 445 पर पहुंच जाएगा। और अगर उसको इंटरव्यू पोस्ट मतलब हायर जॉब की तरफ जाना है, हायर लेवल की जॉब की तरफ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ASS, असिस्टेंट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इस तरह की पोस्ट के लिए उसको 295 भी स्कोर हो रहा है तो भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब अगर एक स्टूडेंट 160 कर रहा है मैथ में, 140 कर रहा है इंग्लिश में, और 165 के आसपास है उसका है वो टायर वन में है, तो वो इंटरव्यू की वो अगले राउंड में पहुंचने की संभावना काफ़ी है इंटरव्यू पोस्ट के लिए, हायर रैंक के लिए। और मान लो उसका पेपर खराब हुआ है, उसने किया 150 मैथ में और 130 किया है इंग्लिश में, 120 किया है इंग्लिश में, और उसने 1670 किया था टायर वन में, तो वो कैंडिडेट भी नेक्स्ट राउंड के लिए नॉन इंटरव्यू पोस्ट मतलब लोअर रैंक के लिए हो जाना चाहिए उसका। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, 263 अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, 160 अगर आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमने लिया है स्कोर, तो आपका नॉन इंटरव्यू के लिए हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर 40 आपने मैथ, 130 इंग्लिश, इस रेंज में भी आपने किया है, और आपने इस रेंज में ऑलरेडी 150-160 के रेंज में टायर वन में स्कोर किया हुआ है, आपको अगले राउंड के लिए बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में आ रहा है, 155.25 चाहिए उसका, अगर उसने 120 स्कोर कर लिया है टायर वन में, तो ये हाइपोथेटिकल हायर साइड की तरफ हम ले रहे हैं। अगर किसी ने मान लो 100 स्कोर किया है, इससे थोड़ा ज़्यादा किया, 120 किया है, तो वो अपने हिसाब से अपनी मेरिट को डिसाइड कर सकता है कट ऑफ को कि मुझे टायर टू में कितना स्कोर करूँ तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये है वो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है जो कि रिक्वायर्ड है। ऐसे ही एससी कैटेगरी में अगर हम देखें, 226 अगर टायर टू में किया है, टायर वन में 130 किया है उसने, तो उसका 356 प्लस हो जाना चाहिए जो कि जॉब के लिए उसको जॉब के लिए पहुंचाएगा, अगले राउंड के लिए पहुंचाएगा।
तो ये था कि किस रेंज में कट ऑफ जा सकती है, टायर वन टायर टू का गैप बताते हुए हमने जो आधार माना और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से आपको समझाने की कोशिश की, उसमें ज़्यादा फर्क आने की संभावना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत कम होगी, क्योंकि टायर टू में ज़्यादा फर्क नहीं है एग्जाम में, टायर वन में था वो हमने ले लिया, इसमें कंसिडरेशन कर लिया डिफरेंस के रूप में। ठीक है, ये था हमारा एनालिसिस कि किस तरह से कट ऑफ जाएगी, टायर टू कैसा रहेगा। अब चलते हैं, अब होगा टायर थ्री का एग्जाम और वो एग्जाम है पिपिन जैन को 3 दिसंबर को रात 8 बजे पिनेकल यूट्यूब चैनल पे, आप जरूर देखिए। जो हम लोग टायर थ्री के लिए अपना कोर्स लॉन्च करने वाला है, पिनेकल कोचिंग सेंटर अपने कोर्स लॉन्च करने वाला है टायर थ्री के लिए, उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें बताएंगे कि वो पेपर क्या होगा, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो वो होगा, आप उसको बहुत डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल सुनने की कोशिश कीजिए 3 तारीख 8 बजे रात को यूट्यूब चैनल पिनेकल कोचिंग सेंटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।